सत्र न्यायालय ने शहर के हुड़केश्वर पुलिस थाना क्षेत्र में हुए बलात्कार की दो अलग अलग घटनाओं में आरोपियों को दोषी करार देकर एक आरोपी को 10 साल और दूसरे को 20 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इनमें से पहला प्रकरण 2019 का है, जबकि दूसरा प्रकरण 2020 का बताया जा रहा है। नागपुर सत्र न्यायालय ने शहर के हुड़केश्वर पुलिस थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के दो अलग अलग घटनाओं में आरोपियों को दोषी करार देकर जेल की सख्त सजा सुनाई है। पहले मामला 23 अप्रैल 2019 का है, जिसमें आरोपी यश लक्ष्मी प्रसाद भोयर रामभाऊ मालकी नगर ने एक 16 वर्षीय किशोरी को विवाह का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की जेल और 7,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तो वहीं दूसरी घटना 12 दिसंबर 2020 की है। इसमें आरोपी रवि राधेश्याम कावले निवासी बालाघाट ने एक 14 वर्षीय बालिका को विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। पुलिस स्टेशन हुड़केश्वर इथे दोन गुन्हे दाखल होते पोक्सो कायद्यांतर्गत। कालच माननीय न्यायालयाने संपूर्ण निकाल दिलेला आहे। एक तपास तत्कालीन पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर येथे नियुक्त असणाऱ्या शुभांगी मोहारे मॅडम API यांनी तपास केला होता आणि दुसऱ्या गुन्ह्याचा तपास API महिला सहायक पोलीस निरीक्षक वनमाला पारदी यांनी केला होता। दोघांचे सहकारी पोलीस शिपाई मयूर सातपुते होते। यापैकी एक तपास दत्तक योजनेअंतर्गत माननीय CP साहेब यांनी सुरू केलेल्या दत्तक योजनेअंतर्गत माननीय नरुल हसन साहेब पोलीस उपायुक्त झोन 4 आणि एक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कविता इसारकर मॅडम पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर यांनी घेतलेला होता। दत्तक योजनेमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यामध्ये लक्ष घालून संपूर्ण निकाल लागेबंद पाठपुरावा करणे असे अपेक्षित आहे। वरिष्ठांनी त्याप्रमाणे पाठपुरावा करून कोर्ट पैरवी जे आहे पोलीस हवालदार सुभाष खोब्रागडे यांच्याकडून पूर्ण कारवाई करून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये यश आलेलं आहे। एका गुन्ह्यामध्ये 10 वर्षाची शिक्षा आणि दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये 20 वर्षाची शिक्षा अशी प्राप्त झाली आहे, त्यामुळे नक्कीच कन्व्हिक्शन रेट आपल्या इथला वाढणार आहे। आपको बता दें कि इन दोनों ही आरोपियों पर हुड़केश्वर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत ने मामले के आरोपी को दोषी करार देकर 20 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।